मतलब 131 किलोमीटर यहाँ पे शो कर रहा है और 12 किलोमीटर चल चुके हैं। अगर दोनों को कैलकुलेट कर दें तो 143 से भी प्लस हो जाएगा, लगभग 0.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा निकलने हैं। से लगभग 3.9 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ चुकी है अभी तक, और ये कुछ ही देर में 4 किलोमीटर भी हो जाएगी। देखिए 4 किलोमीटर भी हो गए और 103 अभी भी यहाँ पर है। 30 किलोमीटर की रेंज बची है, 121 चल चुकी है अभी नॉर्मल मोड में, 658 की टोटल रीडिंग हुई है। तो जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में हमारा जो रेंज टेस्ट था इस ओला के ऊपर, S1 Pro Gen 2 जो हमारी है इसके ऊपर, आपने दो बंदों के साथ में इसको देखा था कि हमने इको मोड में इसका रेंज टेस्ट किया था, तो उसके रिजल्ट जो हमको आए थे वो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो वो 125 के आसपास थे। जो आपको अब हम दिखाने जा रहे हैं इसका रेंज टेस्ट, तो वो जो रेंज टेस्ट आपको दिखने जा रहा है वो है सिंगल बंदे के साथ में ये ओला फुल चार्ज पे कितना किलोमीटर जाएगी। उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हमको दिखाई दिए हैं और जब आप ब्लॉग देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा कि ये ओला अगर जो आप लेते हैं तो ये आपको कितना रेंज दे सकती है। इस ओला को जब हमने सिंगल राइडर के साथ में इसको ट्राई किया था तो उस पर जो हमें रेंज दिखी थी वो ट्रू रेंज से हमारी रेंज जो है वो प्लस थी। कितना प्लस थी जब ये आप ब्लॉग देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। रेंज टेस्ट स्टार्ट किया था तो शुरुआत में इसके कुछ किलोमीटर गिरे थे और 5-6 किलोमीटर जाने के बाद इसकी रेंज जो है वो ट्रू रेंज के इक्वल हो गई थी। जितना रेंज मीटर में शो कर रही थी उतना ही किलोमीटर ये चल चुकी। तो धीरे धीरे एक्साइटमेंट हमारा बढ़ता चला गया और जैसे जैसे हमारा सफ़र कंप्लीट हुआ जो लास्ट के रिजल्ट आए वो बिल्कुल चौंकाने वाले थे, क्योंकि एक टाइम पे ये ट्रू रेंज से काफ़ी ऊपर इसकी रेंज शो कर रही थी दोनों को कैलकुलेट करके, जितना हम ट्रिप कर रहे थे और जो ट्रू रेंज थी उसको मिला करके इसकी रेंज जो थी काफ़ी ज़्यादा शो हो रही थी। मैं हमेशा व्लॉग में आपको बताता हूँ कि मेरी स्पीड जो मैं रेंज टेस्ट करता हूँ वो 40 से 50 के बीच में करता हूँ। ये स्पीड ज़्यादा भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होती। इस स्पीड में आप नॉर्मल एक सिटी से दूसरी सिटी भी जा सकते हैं। और इस व्लॉग में हमने जो टेस्ट किया था उसमें देखा था कि हमने इसको कॉन्टिन्यूस यहाँ से लगभग 121 किलोमीटर दूर इसको ले गए थे बिना रुके, सीट से कहीं भी हटे नहीं थे और इसको कंटिन्यूस चलाते रहे थे। तो एक डर जो ये होता है कि कहीं ये हीट हो करके कहीं बंद ना हो जाए, तो जब बैटरी चेक करी थी 121 कंप्लीट करने के बाद में बैटरी चेक करी थी तो उस पर इसकी मीटर में जो टेम्परेचर था वो 25 के समथिंग शो कर रहा था। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, इसको आप लॉन्ग राइड पर भी ले जा सकते हैं जहाँ तक चाहें, मगर वो नॉर्मल मोड में हमने रेंज टेस्ट किया है। अभी तक जितने भी व्लॉग में मेरे पास कमेंट आते हैं मैंने उस पर इसकी रेंज जो है 120 ही शो करी, वो भी सिंगल बंदे के साथ में, बट उससे अच्छे इसके रिजल्ट आए हैं जो आप व्लॉग में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देरी ना करते हुए जल्दी से इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज की डेट में टोटल ओडोमीटर जो हमारा है वो शो कर रहा है 538, अभी 0.07 किलोमीटर चले हैं सिंगल राइड पे और 142 किलोमीटर की रेंज शो कर रही है। आज इसका नॉर्मल मोड में टेस्ट करने वाले हैं और सिंगल बंदा अगर वो इसको चलाता है तो कितनी इसकी रेंज निकल के आती है। 40 से 50 के बीच में स्पीड रखेंगे और सेम पैटर्न पे ही गाड़ी चलाएंगे तो डिफरेंस जो है सिंगल राइडर और पिलियन के साथ पे कितना फर्क आता है वो चीज पता चल जाएगी। ट्रू रेंज जो है 139 किलोमीटर की शो कर रही है और क्रूज मोड लग चुका है और 3.1 किलोमीटर इधर हो गया है। 136 किलोमीटर की ट्रू रेंज यहाँ पे शो कर रही है और लगभग 6.3 किलोमीटर यहाँ शो भी हो रहा है। तो 1 किलोमीटर का जो डिफरेंस आया था वो अभी तक बरकरार है और अभी 1 किलोमीटर का डिफरेंस ही देखने को मिल रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी अभी देखने को नहीं मिल रहा है। पिछली बार से कंपेयर किया जाए तो इस बार के रिजल्ट काफ़ी बेहतर नज़र आने वाले हैं और रेंज भी हमें ऐसा फील हो रहा है कि बढ़ने वाली है। अरे भाई ऐसा लग रहा है जैसे पिछले व्लॉग से ओला ज़्यादा गुस्सा हो गई है और रेंज देखो जितना ट्रू रेंज जितना शो कर रही थी उसी के हिसाब से रेंज निकाल के दे रही है। मतलब 131 किलोमीटर यहाँ पे शो कर रहा है और 12 किलोमीटर चल चुके हैं, अगर दोनों को कैलकुलेट कर दें तो 143 से भी प्लस हो जाएगा, लगभग 0.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा निकलने हैं। 131 प्लस 12 143 शो करती है और यहाँ पे 143.6 शो कर रही है अगर दोनों को कैलकुलेट किया जाए, तो इस हिसाब से रेंज जो है वो बहुत ही अच्छी निकलने वाली है। अगर स्टेट्स के हिसाब से देखें तो ये गाड़ी 1 किलोमीटर अपनी ट्रू रेंज से ज़्यादा निकाल चुकी है अभी तक। 21 इट मीन्स 45, मतलब ट्रू रेंज से 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो चुके हैं अब तक। ओहो, यहाँ पे रेंज जो है वो 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा दिख रही थी, अभी 115 हुआ है, नॉर्मल मोड में 3 किलोमीटर बढ़ चुके हैं। तो आज की रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छे दिखने वाले हैं। ओला क्लेम करती है 143 नॉर्मल मोड में और यहाँ पे हमको मिल रहा है 115 प्लस 30।
और नॉर्मल मोड में यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड बन गया है आज की राइड का, 115 + 31 = 146। सो 3 किलोमीटर की रेंज यहाँ पे है और 43.8 किलोमीटर यहाँ पे हो चुका है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, एक बार मैं थोड़ा स्लो करके दिखाता हूँ। तो रेंज जो 143 शो करता है उससे लगभग 3.9 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ चुकी है अभी तक, और ये कुछ ही देर में 4 किलोमीटर भी हो जाएगी। देखिए 4 किलोमीटर भी हो गए और 103 अभी भी यहाँ पर है। तो इस हिसाब से 147 किलोमीटर ट्रू रेंज मतलब निकल के आ रही है अभी की स्टैट्स जो कैलकुलेशन करने पर दिखती है। क्या इंक्रीजमेंट रहता है, क्या रहता है, एक्साइटमेंट तो अब बढ़ गया है कि जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसकी 4 किलोमीटर की रेंज अभी तक इसमें प्लस हो चुकी है। तो और कितना बढ़ेगी या घटेगी ये आगे चल करके पता चलेगा। रेंज जो है वो हम लोगों की रेंज इंक्रीज हो चुकी है, पूरे स्टेट्स आपको साफ साफ दिखेंगे। 100 किलोमीटर की ट्रू रेंज बची है, 47.7 किलोमीटर की यहाँ पे रेंज कंप्लीट कर चुकी है। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो 147.8 समथिंग आ जाएगा। यहाँ पे 90 किलोमीटर की हुई है और 65 किलोमीटर लखनऊ रह गया। नॉर्मल मोड में सिंगल राइडर के साथ में जब ओला को चलाते हैं तो आपको रेंज जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो 84.3 किलोमीटर चल चुके हैं और 66 किलोमीटर की रेंज बची है, और जैसा कि आप मैप में भी देख रहे होंगे कि 43% की बैटरी बची हुई है और इको मोड में 78 और नॉर्मल मोड में 65 किलोमीटर अभी हमारी गाड़ी चलेगी। और यहां पे देखिए स्टैट्स में ये भी दिख रहा है कि स्पोर्ट मोड में ये 60 किलोमीटर की गाड़ी चलेगी। तो आज जो रेंज है वो बहुत ही अच्छी निकल के आने वाली है, और जो ट्रू रेंज जो ओला बताता है उससे भी प्लस में रेंज दिखने वाली है। तो कितनी मिलेगी, कितना प्लस में जाएगी या माइनस में जाएगी, ये तो आपको लास्ट में ही पता चलेगा। तो व्लॉग में बने रहिए और टोटल देखिए कितना चलती है आज की डेट में। चले हैं अब 100 किलोमीटर 99.4 और यहाँ पे रेंज बची है अभी 51 किलोमीटर, और ये पूरा 47, 48, 45 के ऊपर ही रही है। और इस समय 51 किलोमीटर की रेंज बची है, टोटल ओडो 637 किलोमीटर हो चुका है यहाँ पे, और 100 किलोमीटर भी हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। और कुछ ही मीटर में 100 किलोमीटर कंप्लीट करने वाली है ट्रू रेंज से। ये रेंज टेस्ट काफ़ी ज़्यादा निकलने वाला है। हम लोगों के 100 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं यहाँ पे 99.9, और ये 100 किलोमीटर कंप्लीट हो गए और यहाँ पे हमारी रेंज जो शो करेगी टोटल 51 किलोमीटर जो ये रियल रेंज निकल के आने वाली है। सिंगल राइडर पे अगर राइड करते हैं 50 से 40 के बीच में तो आपको रियल बहुत ही बेहतर देखने को मिलेंगे। और ओला जो क्लेम कर रही थी 143 की, वहाँ से हम 8 किलोमीटर प्लस हो चुके हैं। मेन चीज़ ईवी में आपका वेट ही डिसाइड करेगा। हम लोगों ने एक चीज़ और भी टेस्ट कर रखी जो साथ में हो रही है कि कॉन्टिन्यूस इसको कितना राइड कर सकते हैं। अभी तक मैं कहीं रास्ते में रुका नहीं हूँ, मैंने एक भी जगह पे स्टॉप नहीं लिया है। आप पूरी रीडिंग देख लीजिए, 101 है और 10 बजे के आसपास चला था, 10:00 के कुछ मिनट पे चला था। अभी 1 बज चुका है, रास्ते में कहीं स्टॉप नहीं लिया है, 100 किलोमीटर तो चला चुके, कोई हीटिंग इशू नहीं आया है, गाड़ी एक बार भी बंद नहीं हुई है। तो कितना एक कॉन्टिन्यूस नॉर्मल मोड में हम इसको रन कर सकते हैं वो भी आज क्लियर हो जाएगा। अगर तो कहीं हीटिंग इशू आया या गाड़ी कहीं ड्रॉप हुई तब तो आप इसको समझ जाएंगे कि नॉर्मल मोड में अगर कॉन्टिन्यूस कितने किलोमीटर बाद स्टॉप लेने ही लेना है। लखनऊ जो है वो इंटर करने वाले हैं और 36 किलोमीटर की रेंज बची है और 114 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं, और ये कॉन्टिन्यूस राइड चलती जा रही है। 652 किलोमीटर हमारे ओडोमीटर पे हो चुके हैं, 3.5 घंटे से लगातार ये चलती जा रही है। मैक्सिमम सफ़र हमने क्रूज मोड पे किया है जो 47-48 की रही है, तो स्पीड भी कोई कम नहीं रही, अच्छी स्पीड में हम लोगों ने इसको ट्राई किया है, इसका रेंज टेस्ट किया है। और 35 किलोमीटर की बची है यहाँ पे सामने दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज घर तक नॉर्मल मोड में घर आराम से पहुँच जाएंगे। ये बैटरी लो की और 32 किलोमीटर की रेंज बची हुई है, और जस्ट फ्लाईओवर के नीचे उतरते ही आधा किलोमीटर बाद घर पड़ जाएगा। तो यहाँ पर वहाँ पर ये गाड़ी जो है खड़ी कर देंगे घर पे, और वहाँ पे दूसरी गाड़ी जो है अपनी एक्टिवा वो उठाएंगे, और हाई कोर्ट का कुछ काम है उसको निपटाएंगे, फिर वापस आकर के इसको फिर रन करेंगे।
30 किलोमीटर की रेंज बची है, 121 चल चुकी है अभी नॉर्मल मोड में, 658 की टोटल रीडिंग हुई है। अब गेट खोलते हैं, बंद भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इतनी देर में बंद हो गई, हिल होल्ड एक्टिवेटेड, क्या फ़ायदा है एक्टिवेट करने का, जब ज़रूरत होती तब तो होता नहीं है। 30 किलोमीटर बचे हुए हैं, 658 किलोमीटर की रेंज है, बैटरी परसेंटेज 19, इतने पे ही ये उठाई जाएगी और टोटल डिस्टेंस हो चुका है हमारा, ये देखिए 121 किलोमीटर, 44 किलोमीटर पर आवर के एवरेज से टॉप स्पीड चाट गई थी किसी टाइम, इससे कम नहीं है एवरेज स्पीड, देखिए इससे ज़्यादा ही 44 निकली लिया है, इसका मतलब इससे ऊपर ही चले हैं, नीचे नहीं चले हैं। और रेंज बची हुई है इको मोड में 31, नॉर्मल मोड में 30। आप वो देखिए कि इतना लॉन्ग राइड करके आए तब भी 24 डिग्री सेंटीग्रेड अभी इसका टेम्परेचर है, हीट नहीं हुई है, मतलब आप लॉन्ग जर्नी 100 किलोमीटर की है तो कंटिन्यूस चलते चले जाइए नॉर्मल मोड पे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट। अब इसको थोड़ी देर बाद वापस आने पे फिर से इसको जीरो किया जाएगा, तब टोटल रेंज इसकी कैलकुलेट करी जाएगी। करते हैं यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि 30 किलोमीटर की रेंज और 658 और वो लास्ट में हम लोग जो चल के आए थे आज की डेट पे, वो थी रीडिंग हमारी 121 किलोमीटर, 44 की स्पीड पे और 19% की बैटरी थी। और मैंने अभी फुटेज चेक करी तो हाई, इसमें लीनियर मोड में एक्शन मोड कैमरा लगा हुआ था, तो जिस वजह से मीटर जो है ना शो नहीं कर रहा पूरा फुल डिस्प्ले, तो काफ़ी मेहनत लगेगी इसको डिस्प्ले पे लाने के लिए, क्योंकि जितनी फुटेज कट गई है वो तो नहीं आने वाली, तो जहाँ जहाँ की किलोमीटर दिख रहे होंगे वही फुटेज डाली जाएगी। जैसा सोचा था वैसा तो डिस्प्ले नहीं आ पाएगा, बट कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिल जाए। फिलहाल जो स्टैट्स दिखा रहे हैं आप यहाँ से तो समझ सकते हैं कि बैटरी उतनी ही है जितनी बैटरी थी, और 19% की और 30 किलोमीटर की रेंज शो कर रही है, 121 ही चली है, कोई चीटिंग नहीं है इसमें। बाकी के देखते हैं, 30 किलोमीटर के हिसाब से 151 किलोमीटर की रेंज टोटल निकल रही है अभी, अब देखते हैं कितना जाती है ये। अब इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फिर से, जो काम था वो तो हो गया मगर टेंशन हो गई कि लीनियर मोड की वजह से फुटेज हमारी रह गई, प्रॉपर मीटर नहीं आ पाया। पिछले वाले में हाइपर व्यू चल रहा था जिसकी वजह से फुटेज बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई थी, तो डिस्प्ले दिखना मुश्किल था, इस बार लीनियर पे चला गया, मीटर ही दिखना मुश्किल हो गया, जितना भी डिजिट्स आएगा वो क्लियर होगा। ये यहाँ पे अभी 30 से 1 किलोमीटर नहीं चली है और 2 किलोमीटर इसके कम हो गए, तो जो सुबह मिल रही थी कॉन्टीन्यूस से डिफरेंट रीडिंग जा रही हो, जैसे ये 25 पे जाएगी 25 रीडिंग बचेगी इसकी ट्रू रेंज, तुरंत ये इको मोड में लग जाएगी। अभी ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, हाईवे पे ट्रैफिक में थोड़ा सा फ़र्क तो होता है, माइलेज जो है वो आपकी ट्रैफिक में थोड़ा कम हो ही जाती है, हाईवे पे कंटिन्यूस एक स्पीड में चलते चले जाइए, वैसा यहाँ तो होता नहीं है, बहुत डस्ट है। लो बैटरी, 25 किलोमीटर पे ये अपने आप इको मोड में आ जाएगी। आप देखिए 10 किलोमीटर की रेंज शो कर रही है और 9.4 किलोमीटर चली है, मतलब 6 किलोमीटर का ड्रॉप पूरा आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो गई, जैसे नॉर्मल मोड पे ट्रू रेंज से प्लस चल रही थी वैसे इको मोड पे 9 हो गई, देखिए 9.7 पे ही, तो यहाँ पे टोटल 7 किलोमीटर माइनस हो गए हमारे। 7 किलोमीटर की रेंज है जो यहीं चला चला करके इसको ख़त्म करेंगे चक्कर मार मार के, इन 7 किलोमीटर में कितना चलेगी ये। चलते हैं अपनी कॉलोनी में, करते हैं इसको ख़त्म। एक और इधर से लगा दें, आप
अब देखिए 2 किलोमीटर की रेंज बची है, कहाँ तक इसको दौड़ाएंगे। 140 किलोमीटर की रेंज डिस्टेंस आ चुकी है अब तक। 4% की बैटरी है, बैटरी 4% की, और रेंज ड्रॉप होती चली जा रही है। मुझे नहीं लगता कि अब इसको चलाना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि फिर बैटरी अगर माइनस में चली जाएगी तो फिर नए नखरे इसके शुरू हो जाएंगे। अब इसको खड़ी करते हैं और चार्जिंग पे लगाते हैं। चढ़ जाएगी क्या हैं? ये हिल होल्ड एसिस्ट तो इसका ऑन होता है, मगर कब ऑन होता है कब नहीं होता ये पता ही नहीं चलता। लाओ अब यहाँ से इसको पीछे से ले जाना पड़ेगा। गाड़ी यहाँ कम से कम 4 घंटे खड़ी रही थी। उसके बाद जब मैं कोर्ट से वापस आया तब फिर इसको ऑन करके फिर गया, तो 2-3 स्टॉप लिए थे बीच बीच में, तो जिस वजह से हो सकता हो रेंज जो है वो ड्रॉप हो गई हो। बट इको मोड में जब 25 किलोमीटर की रेंज शो कर रही थी उसके बाद इसने बहुत बुरे रिजल्ट दिए। 25 किलोमीटर में कितना चली थी अभी आपने देखा होगा, करीब 12 या 12.5 के आसपास, ओवरऑल कह सकते हैं चलो 15 चल गई। 10 किलोमीटर का रेंज ड्रॉप आ गया जो बहुत ज़्यादा बुरा था, और वही जो गेन कर रहे थे एक्स्ट्रा, जो रेंज हम लोगों ने ट्रू रेंज गेन करी थी, वही इस पर इको मोड में आने के बाद माइनस हो गई। इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा।